हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर 18 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास यानी से बिफोर जो क्लास थी हमारी लेक्चर नंबर 18, लेक्चर 18 में हमने 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके। जो बच्चे न्यू है वो आप पीछे वाले वीडियोस में आप 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एन एज ऑफ अ वेरिएबल। An age of a variable cube is increasing at a rate of 3 cm per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 cm long? हमें कह रहा है कि कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज ऑफ क्यूब ऑफ वेरिएबल इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके जो एज है साइड्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। We have to find how fast is the volume of cubic inch, यानी कि dV by dt आपको find करना है when age यानी side 10 centimeter। हमने बताया था let x be the length of the side and v be the volume of the cube, then volume of cube क्या होता है? Side का cube। तो side का cube है तो ये हो जाएगा x cube, क्योंकि side आपने x दिया। Now you know dV by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, dV by dt अगर आपको निकालना है तो dV by dt के लिए हमने बताया था दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि दैट ये x क्यूब है और x क्यूब को आप पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो हमने, चलो हम बताते हैं यहाँ पेन टाइप से, वैसे ये इससे पहली वाली क्लास में हम क्लियर कर चुके। तो क्या क्लियर किया था हमने, एक बार दोबारा रिपीट करें। सबसे पहला तो आपको हमने डेरिवेटिव्स के ये फॉर्मेट बताए थे कि आपको याद रखना है, जिसमें हमेशा यूज होगा That is k d by dx of x to the power n। ये फॉर्मूला है जो आपने 11th में भी सीखा होगा, nx to the power n minus 1, right? इस फॉर्मूले को याद रख। इसी फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे, x क्यूब है और ये x किसका फंक्शन है कि x क्यूब किसका, x का, तो ये आ जाएगा 3 पहले आया और ये 3a² dx by dt। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, यानी कि साइड तो आपने x माना, तो dx by dt आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv by dt आप निकालोगे तो ये 3x² × में dx by dt है, तो 3x² dx by dt, तो वैल्यू पुट कर दो dx by dt की 3, तो ये आ जाएगा 3x² × 3 9x², ये हमारा गया dv by dt 9x². अब आपको बोला है कि डेट एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा dv by dt इक्वल टू 3 × 9x² है 9 × 10x², डेट इज 10 × 100, सो 900। सो हियर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, ये 5th क्वेश्चन है। ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें कह रहा है कि स्टोन को अगर आप लेग के अंदर ड्रॉप करते हो तो सर्कल जो उसका सर्कल के फॉर्म में जो जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, अगर 8 सेंटीमीटर है तो हाउ फार द इनक्लोज एरिया इन के, यानी कि आपको फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। तो सबसे पहला काम है, आपने सीखा था कि एरिया ऑफ सर्कल ए विद रेडियस आर होता है पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलेंगे, डी ए बाई डी टी। तो आप देखोगे कि डेट इज डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर।
फिर आपने देखा डेट डीए बाई डी टी ऑफ पाई आर एस स्क्वायर है, तो जैसा हमने बताया था यहाँ पे दोबारा हम बता रहे हैं इसको ध्यान। तो आप देखोगे कि डीए बाई डी टी इक्वल टू आपने क्या लिखा कि डेट डी बाई डी टी ऑफ पाई आर एस। अब आप देखो कि यहां से हम आपको यहाँ अगर दिखाते हैं कि ये क्या है पाई, पाई तो आपका कॉन्स्टेंट राइट, और ये आर स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2r e पावर 1, तो 1 लिखना जरूरी। और r किसका फंक्शन है t का, तो इसको क्या लिख दोगे dr by d, ये आपको मिलेगा दैट इज 2 पाई r dr by 2 पाई r dr by d राइट। तो 2 पाई r dr by dt जो यहां निकाला है। अब इट इज गिवन दैट आर इज 8, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा 2 पाई इंटू में डी आर बाई डी टी, तो 2 पाई आर, आर की जगह आपने 8 पुट कर दिया और डी आर बाई डी टी 5 पुट कर, तो आपका आंसर आ गया 8 टू जा 16, 5 जा 80 पाई, ये आपका राइट आंसर आ गया 80 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर पाई की वैल्यू हमने बताया था कि पाई की वैल्यू आपको याद रखना है 22 अपॉन में 7 और 3.14, तो आप इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके आंसर पर 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर हम इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर है 6। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपको रेडियस रेट ऑफ यानी कि डी आर बाई डी टी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है रेडियस से, ये किसका रेट चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डेट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या। तो आपने सीखा था सर्कमफेरेंस, जैसे हम रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर निकालते हैं ऐसे ही सर्कमफेरेंस का मतलब है कि चारों तरफ का जो उसका सराउंडिंग लाइन है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला हमारा होगा 2 पाई आर राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा dc बाई dt, तो dc बाई dt फिर आप देखोगे 2 पाई तो कांस्टेंट है और आपको निकालना है आर का, तो इसने लिख दिया dc बाई dr into d, इस लाइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो d बाई dr ऑफ c की जगह 2 पाई आर। अगर हम इस पोर्शन को अगर आपको करके दिखाए, देखो जैसे आप देखोगे कि हमने यही लिखा है कि भाई डी सी हमें निकालना है डी सी अपॉन में डी टी राइट, तो डी बाई डी टी है और आप जानते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर राइट। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो 2 पाई तो आपका कॉन्स्टेंट और आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो r को अगर आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी। अब आप देखोगे कि डी आर बाई डी टी तो आपको गिवन है कितना 0.7, तो आप यहाँ क्या करोगे डेट इज 2 पाई और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.7, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 27 जा 14, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये आ जाएगा पाई, तो क्या आ गया 1.4 पाई। अब ये सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका राइट आंसर आ गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कल। अगर आपका जवाब पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीज है और अगर आपका जवाब निगेटिव आता है तो वो क्या है, अगर निगेटिव आता है तो वो डिक्रीज है। इट इज क्लियर, गुड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान 7 क्वेश्चन आपका है कि द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग
at a rate of 5 centimeter per minute, and the width while increasing at the rate of 4 centimeter per minute. यहीं से पता चल रहा है कि लेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है. तो अगर आप लेंथ को मानते हैं x और ये डिक्रीज हो रहा है, और ब्रेथ को मानते हैं y, तो dx by dt क्या हो जाएगा, 5 centimeter per minute. और dy by dt आपका क्या आ जाएगा, dy by dt हो जाएगा आपका कितना, dy by dt आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट. तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन. पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो आपने पहले भी सिखा चुके हैं, और जिस बच्चे को याद नहीं तो लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ. 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो लेंथ आपका x है, ब्रेथ आपका y. dp by dt निकालोगे तो 2 बाहर आ गया, dx by dt plus dy by dt. 2 आपका बाहर है, dx by dt की वैल्यू क्या है, -5, और dy by dt की वैल्यू क्या है, 4. तो -5 + 4 क्या होता है, -1. तो -1 × 2 क्या जाएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट. दैट इज पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट. यही आपका राइट आंसर. अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपने फॉर्मूला सीखा था, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ दे रखा है, तो dA by dt कल बताया था हमने, प्रोडक्ट रूल. जो बच्चे नए हो चलो एक बार उसको रिपीट करते हैं. तो कल हमने समझाया था यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, जिसका अभी हम यूज करेंगे एरिया को डिफ्रेंशिएट करने में. तो प्रोडक्ट रूल के अंदर आपने देखा था, प्रोडक्ट रूल क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी. तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो फर्स्ट को छोड़ा एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट. तो यहाँ डी एक्स, यहाँ सेम बात देखो, यहाँ एक्स इंटू वाई है. पहले इसने वाई को छोड़ दिया, जिसको बाद में लिखो या पहले, अच्छा बेहतर होता है फर्स्ट लिखो, जिसे बाद में लिखा नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई, प्लस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, एक्स को छोड़ दिया, सेकेंड किया डी वाई बाई डी टी. अब डी एक्स बाई डी टी तो तुम्हें दिया हुआ, डी एक्स बाई डी टी क्या है, माइनस का 5, दिया जाएगा -5y, और डी वाई बाई डी टी आपका 4 है, तो यह आ जाएगा 4. तो -5y + 4x आ गया. वेन एक्स इज 8 एंड वाई 6, ये क्वेश्चन में गिवन है, एक्स इज 8 एंड वाई 6, ये आपको दिया गया है, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 6. तो यहाँ पुट कर देंगे x = 8 एंड y = 6, तो आपका आंसर आएगा -5 × 6 + 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. क्योंकि आपको जैसा दिया रहेगा वही लेना, यहाँ सेंटीमीटर पर मिनट में दिया गया, अगर सेकेंड में होता तो सेकेंड लेते. तो डेट इज 2 सेंटी, इसको सॉल्व करेंगे, -30 + 32, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. तो हैंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, गुड. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल और इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड. जैसे इसने क्यूबिक दे दिया, दैट मींस इट गिवन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी डीवी बाई डी टी आपको दे रखा है 900. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस, यानी आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाई डी टी. बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पहले से समझ चुके हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी और रेडियस आर है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप देखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ये फॉर्मूला, इसको याद रखना. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, 4/3 πr³. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 πr³. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो dv बाई dt.
अगेन इस लाइन को अब छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, डीवी बाई डी टी निकालना था, तो डीवी बाई डी टी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, इस पोर्शन को हम डायरेक्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। देखो आपने देखा कि हमें निकालना है डीवी अपॉन में डी टी, राइट, तो डेट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आपका 4/3 pi r³। अब आप जानते हो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 4/3 pi, आपने छोड़ ये r क्यूब है, ये किसका फंक्शन है, r का, r क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 3r² क्या आ जाएगा 3r² राइट, ये क्या है r 3r² इनटू में क्या हो जाएगा r किसका फंक्शन है, अब r क्यूब तो r का फंक्शन था, हमें t के रिस्पेक्ट करना है, देन इट इज dr/dt। अब ये 3 से 3 आपका कैंसिल होता है, आपको क्या मिला 4 pi r² इंटू dr/dt आपको गिवन नहीं है, राइट, यही हमें फाइंड करना है, और dv/dt आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 900, तो dv/dt अगर ये आपका निकल गया 4 pi r² एंड dr/dt। अब ये क्या है dv/dt, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 900, अगर आप इसकी जगह 900 पुट करो, अब आपको चाहिए dr/dt, ये चीज आपको फाइंड कर, राइट, अगर आप निकालोगे dr/dt तो रूल क्या है 900 तो अपनी जगह, राइट, अब ये 4 pi r² यहाँ आ रहा है, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई इधर आए क्या होगा डिवाइड, तो 900 डिवाइड में क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएगा 1/4 pi r², राइट, अगर आप देखोगे 4 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 1 आएगा 10, 4 × 2 = 8, 2 बजाएगा 20, 4 × 5 = 20, तो क्या मिला आपका 2 × 5 / pi r², राइट, ये मिल गया dr/dt जो आपको यहाँ निकाल के दिखाया, राइट, dr/dt फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि वेन रेडियस इज 15 cm, तो आपको निकालना है dr/dt एट r इक्वल टू 15 cm, तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये हमारा है 2 × 5 अपॉन में दिया गया है pi और नीचे क्या है r², तो r की वैल्यू आपकी 15 है, तो ये 15 का क्या आ जाएगा s², और हर बच्चा जानता है कि ये 2 × 5 है, नीचे पाई है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो ये हो जाएगा कैंसिल और आपको क्या मिलेगा 1/pi, यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 1/pi cm/s, यही इसका क्या है राइट आंसर, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आप देखोगे कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, है कह रहा है कि बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल होता है, उसका रेडियस क्या है वेरिएबल, हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस विद लैटरली 10 cm, तो कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज, यानी वी हैव टू फाइंड डीवी बाय डीटी, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी विद रेडियस आर है, तो v होता है 4/3 pi r³, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r क्या होगा dv/dr, तो dv/dr ऑफ 4/3 pi r³, 4/3 pi को बाहर ले जाओ, r³ का डिफरेंशिएशन होगा 3r², तो वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर राइट आ जाएगा। चलो इसको भी दिखाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ कि जैसे हमने बताया
यहाँ इस पोर्शन तक तो बिल्कुल क्लियर है आपका, इस पोर्शन को हम दिखाना चाहते हैं यहाँ ध्यान। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास है डी बाई डी आर, डेरिवेटिव निकालना है वॉल्यूम का, यानी 4/3 पाई आर क्यूब विद रेस्पेक्ट टू आर। तो आप जानते हैं कि 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एंड आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पहले और r की पावर लेस होगी, 3 - 1 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका जवाब आ जाएगा 4 पाई r² जो आपको यहाँ दिखाया गया, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट विथ रेडियस r ही आ गया। अब रेडियस इसने दे दिया है कितना, 10, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे 4 पाई r² यानी 4 पाई × 10² यानी 400 पाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिखाते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे है। तो ये आ गया आपका कितना, 4 पाई r² 4 पाई × 10² डेट इज 400 पाई, यही आपका क्या है राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लैडर है यानी सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 cm/s, तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यहाँ बात कर रहा है तो वॉल है और दूसरा आपका लैडर, कह रहा लेट 5 मीटर बी द हाइट ऑफ द वॉल एट विच द लैडर टच इट, ऑल्सो लेट द फुट ऑफ द लैडर बी एक्स मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मान लो कि अभी फिगर दिखा रहे हैं आपको, मान लीजिए कि वॉल की जो लेंथ है, हाइट है, वो वाई मीटर है और इससे एक्स मीटर की दूरी पे एक लैडर को रखा गया, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको बता रहा है, जो आप जानते हो इसका पहले फिगर दिखाते हैं, इससे आपको क्लियर होगा, बनाते हैं भी आपका। तो आप देखोगे तो हमें कह रहा है कि लेट वाई मीटर बी द हाइट ऑफ द वॉल, तो मान लो कि जैसे ये आप ले ले तो हाइट वॉल है और ये वॉल से दूरी है और ये आपका लैडर, ये हमारा लैडर, राइट। इसको आपने मान लिया ए बी और सी, ओके तो ये 90। अब कह रहा है कि वाई मीटर बी द हाइट ऑफ द वॉल, यानी ये जो लिया गया वो वाई मीटर वॉल, एट वेयर द लैडर टच इट, ऑल्सो लेट द फुट ऑफ लैडर बी एक्स अवे फ्रॉम द वॉल, ये लैडर का फुट है और ये वॉल है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है x मीटर। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, और क्या दिया गया है कि दैट इज हाइट ऑफ लैडर, लैडर की जो हाइट है लेंथ ऑफ लैडर 5 मीटर, यानी ये लैडर है इसकी लेंथ क्या दिया गया है 5 मीटर। तो आप जानते हैं कि ये राइट ट्रायंगल बन गया, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था आपको कि दैट इज p² + b² किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है, इसे पहली क्लास में समझाया था। तो यहाँ p आप लेंथ और ब्रेथ, यानी कि ये y और ये x है, तो या तो लिखो y² + x² या x² + y² = 25। इससे क्या होगा, अगर आप y निकालोगे तो क्या होगा, x² को जाओगे राइट में, 25 - स्क्वायर का ये रूट है, राइट। Then the then rate of change of height with respect to time निकालना है dy/dt, तो dy/dt अगर आपको निकालना है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, राइट। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आपको निकालना है dy/dt, तो dy/dt आपने यहाँ ले ली, राइट। तो dy/dt अगर आपने यहाँ पे लिया तो dy/dt अगर आपका यहाँ पे है,
डी वाई वाई डी टी है, तो ब्रैकेट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या है हमारा 25 माइनस में x है, राइट। और इस पे क्या लगा हुआ है, अब आप जानते हो कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दे पावर कितनी है हाफ, तो हाफ पावर है तो पहले तो ये हाफ आ जाएगा राइट, और ये आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो तो क्या होगी हाफ माइनस, और मल्टीप्लाई में आप इसको चेन रूल को दोबारा करो 25 तो कांस्टेंट है जीरो आएगा, माइनस स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस का 2x राइट। आप इसमें देखोगे ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल हो, ऊपर क्या बचा माइनस एक्स, और ये हाफ माइनस वन क्या होगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का मतलब है वन अपॉन में रूट, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ का, तो ये रूट है। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया। अब आप देखोगे दोबारा से देखो, जैसे ये तुम्हारा था 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो हमने ये निकाला था माइनस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 25 माइनस स्क्वायर इसने निकाला, तो माइनस एक्स अपॉन में 25 माइनस स्क्वायर होता। अब दोबारा से ये क्योंकि एक्स का टी के रेस्पेक्ट में निकालना, ये क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी राइट, तो ये यहाँ निकाल। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 25 माइनस एक्स। Now when x is 4, क्वेश्चन कह रहा है कि the foot left 4 meter away from the wall. Away from the wall का मतलब क्या हो गया कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, तो अब माइनस 2 into 4 upon 25 minus 4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस 8, नीचे क्या है 25 minus 16, 25 minus का 16 कितना होता है 9 का रूट क्या होगा 3, इसलिए इसने लिख दिया माइनस 8 अपॉन 3, तो आपका आंसर है हेंस द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर। तो आपने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया, तो अब यहाँ नेगेटिव लगाने की जो दिस नेगेटिव शोज दैट इट इज डिक्रीजिंग, सो द हाइट ऑफ लैडर द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक बार दोबारा ध्यान, क्वेश्चन ये था आपका कि एक वॉल है जिसकी हाइट आपको मालूम नहीं है और इससे कुछ दूरी पे जो है एक लैडर को रखा गया, तो आपको बता रहा है कि बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितनी दूरी पे उसको रखा जा रहा है, तो ये जो आपका आंसर निकालना रेट ऑफ चेंज होगा, यानी हमें बताना है हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, जैसी जैसी लैडर को आप इस साइड ले जाओगे तो हाइट नीचे आता चला जाए, ये हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमने ये लगा दिया पाइथागोरस पी ए स्क्वायर, पहले तो फिगर बनाया, फिगर में देखा दिस इज वॉल दिस इज एट दिस इज फाइव, सो वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 20। Now we have to find rate of change of y. So d by y dt. But first you find y. अगर आप y यहाँ से निकालोगे, x square y square 25, y square 25 minus x square. Then y is root under 25 minus x square. Now d by y dt. हमने यहाँ निकाल के दिखाया है d by y dt of 25 minus square root. So this is whole power root. That is whole power half. According to rule जो हमने अभी बताया था पहले. डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया राइट, तो यहाँ पे क्या टोटल की पावर क्या थी हाफ, इसलिए हाफ पहले आ गया 25 स्क्वायर की पावर क्या होगी हाफ माइनस। अब ये चेन रूल कहता है कि ये टोटल तो इसका डिपेंड करता था, ये 25 स्क्वायर किसका फॉर्म है एक्स पे डिपेंड करता है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 25 is 0 and my square is minus 2x. Now these two cancel out. We will get so minus 25 my square upon this. So x upon me आ जाएगा आपका 25 minus square and this is dx by dt. अब आपको पता था dx by dt is 2, तो
आपने यहाँ पुट कर दिया dx by dt 2, तो we get dy by dt minus 2x upon x, right? Now t is also x is also given for according to question, so put the value and find out. Okay, ये था हमारा question number 10 exercise 6.2. चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, ये 10th क्वेश्चन था हमारा. अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11, तो आज हम लोग 10th क्वेश्चन तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से स्टडी किया है, देखा है, और आपको अगर कोई परेशानी आई है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो. और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जूम ऐप पे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. हमारी फीस वेरी नॉर्मल है, बहुत ही कम फीस है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे आप पता कर सकते हैं. और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो. थैंक यू सो मच.